नमस्कार, मैं हूं पहले चौहान और आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं खबरों की ओर। हरमू अरगोड़ा राजमार्ग में तेज बारिश के कारण अक्सर जलजमाव हो जाता है। इस राजमार्ग से मुख्यमंत्री सहित राज्य के बड़े नेता गुजरते हैं। इस जलजमाव पर किसी का ध्यान नहीं जाता। इसे लेकर रांची सांसद संजय सेठ व हटिया विधायक नवीन जायसवाल ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ इस राजमार्ग में धन रोपनी कार्यक्रम किया। रांची सांसद संजय सेठ ने कहा कि सरकार का ध्यान आकर्षित करने को लेकर हम लोग यह कार्यक्रम कर रहे हैं। वहीं हटिया विधायक नवीन जायसवाल ने भी हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ठेकेदारी प्रथा के कारण इस राजमार्ग का बुरा हाल हुआ है। देखिए, ये झारखंड की राजधानी है और राजधानी में जो राजमार्ग है जिसको हम लोग अरगोड़ा हरमू बाईपास कहते हैं, और रोज माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी, स्पीकर साहब, सेक्रेटरी सभी इसी रास्ते से गुजरते हैं। और दो दिन पहले ये हाल था कि इस रोड में चार चार पाँच पाँच फीट पानी था। पुलिस ट्रैफिक इस रोड को बंद करके डाइवर्ट कडरू के तरफ किया जा रहा था और हम लोगों ने अपने प्रयास से इसको पीडब्ल्यूडी का एस्टीमेट बना के पुलिया का और नाला का एस्टीमेट बनाया था, लेकिन जुड़को ने उसको रद्द करा के कि मैं करूँगा। और ये ठेकेदारी की प्रथा के चलते आम जनता त्रस्त है और राजधानी का जब ये हाल है तो झारखंड में विकास कहाँ जा रहा है उसकी परिकल्पना हम लोग कर सकते हैं। आपने देखा कि पंडरा में नाला में गिर के एक आदमी की मौत हो गई जिसका डेड बॉडी आज मिला। आप यहाँ से अरगोड़ा से कटहल मोड़ के रास्ता जाएंगे, वहाँ तीन तीन चार चार फीट रास्ता में पानी जमा हुआ है। लोग दूसरे रूट पकड़ रहे हैं, घर के अंदर बेसमेंट के अंदर पानी भर रहा है। लेकिन ये गूंगी और बहरी सरकार जिसको जनता के सुख सुविधा के लिए कोई चिंता नहीं है, सिर्फ ट्रांसफर और पोस्टिंग में ये सरकार व्यस्त है और जनता की मूलभूत समस्या के निदान के लिए काम नहीं कर रही है। पिछले एक हफ्ते से तीन तीन फुट पानी यहाँ जमा था, जबकि इस पूरे इस